कर रहे, और अगर आप काम नहीं कर रहे तो फिर फायदा क्या हुआ सुपरा बनने का? फिर आप अपने आप को सुपरा मत सोचिए, आप एसोसिएट ही हैं, क्योंकि सुपरवाइजर बनने के बाद सुपरवाइजर के बेनिफिट तो आपको मिल ही नहीं रहे, वो बेनिफिट आपको लेना जरूरी है। नंबर 3 लिखिए, सुपरवाइजर बनने के बाद सबसे बड़ी इनकम जो आती है उसे रॉयल्टी बोलते हैं, लिखिए। और हर्बललाइफ की सबसे अच्छी बात क्या है, आपको 7 पीढ़ियों तक ये रॉयल्टी आगे से आगे आपकी पीढ़ियों को ये आईडी मिलती है। जैसे मैंने बिल्ड किया 10 साल लगा के इस बिजनेस को, मेरे को 5% कंपनी रॉयल्टी देती है, ठीक है? आप भी लिखो, मैं आपको बताता हूँ, आप लेवल आगे आगे करोगे। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आपको रॉयल्टी ही आती है सिर्फ 5%, 3 लेवल तक आती है। उदाहरण सुनिए, नंबर 1 मान लो, मैंने पहले बताया मैं सुखविंदर सिंह, मेरे नीचे गुरलाव, गुरलाव के नीचे मोक्ष, मोक्ष के नीचे महावीर जी, ये तीनों लोग जो भी वॉल्यूम पॉइंट करेंगे, इनका मेरे को 5% इनका, 5% इनका, 5% इनका, 5-5% मेरे को रॉयल्टी आएगी 3 लेवल तक। और अगर इनके पास अदर लाइनें और भी हैं, मान लो गुरलाव के पास और हैं, मोक्ष के पास हैं, तो उनके ऊपर भी मेरे को 5% रॉयल्टी कंपनी देगी। तो सेम आपको 3 लेवल तक रॉयल्टी आती है, याद रखिए। इसीलिए आपको जब तक आप मिलेनियर टीम तक नहीं पहुंचते, आपको ज्यादा काम 3 लाइनों में करना चाहिए, क्योंकि आपको बेनिफिट फिर आगे जाके ज्यादा मिलते हैं। अब 3 लेवल पे रॉयल्टी है, अब गुरलाव और ये सारे लोगों की मैं बात करूं तो मेरे को मैक्सिमम 30-35 हजार वॉल्यूम ये लोग देते हैं, या 40 हजार देते होंगे, पर इस ग्रुप के अंदर वॉल्यूम कितना होता है, 2.5 लाख, 3 लाख, लगभग नीचे तक। अब 3 लाख वॉल्यूम का मेरे को बेनिफिट नहीं होना था अगर मैं प्रेजिडेंट टीम नहीं होता। तो आपको 3 लेवल तक रॉयल्टी आती है, समझ रहे हैं? पर अगर आप प्रेजिडेंट टीम हो तो 6% आपको बोनस देती है कंपनी। तो अब आप जितने भी लोग इधर बैठे हो, मेरी कौन सी लाइन हो आप चेक कर लो, 8वीं हो, 10वीं हो, 20वीं हो, आप जो भी ऑर्डर करते हो उसका कंपनी मेरे को 6% बोनस देती है। इसीलिए मेरा चेक 60 लाख से ऊपर रहता है, क्योंकि जितनी भी टीम है, अब मान लो आप 300 सुपरवाइजर हो, एक सुपरवाइजर ने 1 लाख का बिजनेस भी किया तो कितने का करोगे? काफी सारे लोग इधर नहीं है, 3 करोड़ का कर दिया, 3 करोड़ का नॉर्मली मेरे को 6% तो बोनस आना है, 5% रॉयल्टी आनी है 3 लेवल की, तो 33 लाख का चेक हो गया इतने लोगों से। पर इधर बहुत सारे लोग 5 हजार पॉइंट भी करते हैं, 8 हजार भी करते हैं, 10 हजार भी करते हैं, तो इसीलिए इनकम ज्यादा आती है सुपरा बनने के बाद। तो लिखिए, ये 6% क्या लॉस होता मेरे को अगर मैं आज प्रेजिडेंट टीम नहीं होता, जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों फर्स्ट लाइन ज्यादा बनानी चाहिए, क्यों 3 लाइनों में ज्यादा काम करना चाहिए। मेरा 40 लाख से ज्यादा बोनस रहता है हर महीने, तो 40 लाख रुपया मेरे को नहीं आना था आज अगर मैं प्रेजिडेंट टीम नहीं होता, तो मेरा चेक सिर्फ 20 लाख का ही होता आज, 60 लाख का नहीं होता। तो 40 लाख जो बोनस है वो मेरे को नहीं आना था, क्योंकि मेरी 3 लाइनों में 2 लाख वॉल्यूम नहीं होना था। अब 3 लाइनों में 2 लाख वॉल्यूम क्यों बढ़ा? मेरी फर्स्ट लाइन बहुत सारी है, और फिर वहीं पे बात आके खत्म हो जाती है। फर्स्ट लाइन कब बनती है? जब आपके पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं, जो आपके बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में आने लगते हैं, तब आपकी फर्स्ट लाइन ज्यादा बनती है। जब फर्स्ट लाइन ज्यादा बनेगी तो आगे अपनी लाइनें खोलते हैं, फिर वो अपनी तीसरी लाइन में लाइनें खोलते हैं, तो 3 लेवल में बिजनेस आपका ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आप प्रेजिडेंट टीम 15K 20K बन जाते हो। तो फिर बात वही खत्म होती है, आपको किस रैंक पे जाना है ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल एक्टिविटी कितनी है, आप कितने कस्टमर बनाने के लिए डेली काम करते हैं, आप कितना नए कोच बनाने के लिए डेली काम करते हैं, आप कितनी ट्रेनिंग खुद अटेंड करते हैं और कितनी अपनी टीम को करवाते हैं, कितना आप सुबह सुबह जब आपका क्लब होता है वीडियो ऑन करके एफ्रेश लेके और अपनी डायरी लेके बैठते हो और फॉलोअप करते हो कस्टमर का, इससे पता चलेगा आपकी टीम बनेगी या नहीं बनेगी। या फिर सुबह सुबह ब्लैंकेट ऊपर कर लेते हो, रजाई ऊपर कर लेते हो, ठंड बहुत है, और कॉपी पेस्ट करते हो लिंक, और फिर 5-6 साल बाद आप बोलते हो सर मैं भी हर्बल लाइफ में हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तेरा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो हर्बल लाइफ चाहती है वो तो कर नहीं रहा, इसलिए तेरा नहीं हो रहा, और जो लोग कर रहे हैं उसका हो रहा है, बड़े आराम से हो रहा है और लोग बहुत आगे जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? आज मैं रियल सच्चाई पे काम कर रहा हूँ आपके, आज मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया, आज मैं सिर्फ आपको बताने आया हूँ आप किधर हैं हर्बल लाइफ में, है ना? आपकी पहचान क्या है, आप क्या कर रहे हैं प्रेजिडेंट टीम बनने के लिए, ये मैं आपकी सच्चाई बताने के लिए मैंने ट्रेनिंग दे रहा हूँ। भी आप कहाँ जाने वाले हैं 5 साल बाद, चेक कीजिए, 1500 PPV करते हैं क्या, क्लब में आते हैं क्या, कस्टमर का फॉलोअप करते हैं क्या, आप डेली एक्टिविटी करते हैं? नहीं करते तो किधर नहीं जाएंगे आप? बहुत सारे सुपरवाइजरी सर्बलाई में आए और चले गए, आप भी उन्हीं में से भर्ती हो जाओगे कुछ सालों के बाद। पर कुछ लोग जो डेली ये काम कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस, बधाई, 5-6 साल बाद आपका भी नाम आएगा, जैसे हम लोग प्रेजिडेंट टीम बने हैं 15K 20K, आप भी बनेंगे। और जो नहीं कर रहे आपको बहुत बहुत बधाई, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ना मत, क्योंकि इधर तो आपका कुछ बनना नहीं, वो काम को भी खो बैठोगे आप।
अगर ये कर रहे हैं तो फिर आप बनेंगे, फिर आपको कोई रोक नहीं बिल्कुल सकता। बिल्कुल और अगर आप नहीं कर रहे तो अभी अप्लाई कर दो, कल से बिल्कुल करना, फिर भी आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि ट्रेनर का काम होता है गाइड करना, रुक के नहीं, है ना, आपको एजुकेट करना, रोटी रोटी उसको नहीं है, अप्लाई ठंडे करना नहीं, नहीं करना वो आपकी मर्जी है, अगर करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो तीसरी इनकम कौन सी आती है? रॉयल्टी। और रॉयल्टी आपको बहुत अमीर बनाती है, याद रखिए, आप सोच भी नहीं सकते आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी। आपका माइंडसेट, आपका सोचना, आपका रहना सहना, आपकी फैमिली को इतना स्ट्रोंग कर जाओगे अगर आपने रॉयल्टी वाला बिजनेस बिल्ड कर दिया। जितने भी लोग आप इधर हो, पता आप क्या करते हो, जो भी आप बिजनेस करते हो, मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ हर्बललाइफ का, आप जो भी जॉब पे हैं, आपकी जॉब आपके बच्चों को मिलने वाली नहीं है, याद रखिए। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस अपने बच्चों को दे सकते हैं, पर उसमें स्किल है या नहीं है वो चला पाएगा ये पक्का नहीं है। आपकी ये आगे जाके पीढ़ियों को रॉयल्टी नहीं आएगी। आप जो भी बिजनेस खुद का कर रहे हैं अगर उसको करना बंद कर दें, क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। पर हर्बल लाइफ आप बंद भी कर दोगे ना, आज मैं छोड़ दूंगा भी, मैं नहीं करता यार काम, फिर भी मेरी रॉयल्टी मेरे बच्चे को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को 7 पीढ़ियों तक आएगी, क्योंकि 10 साल में जो मैंने बिल्ड किया है वो इंडिपेंडेंट बिल्ड हुआ है सारा बिजनेस। ऐसे ही सुपरवाइजर बनने के बाद अगर आप स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर देते हो और रॉयल्टी अच्छी बिल्ड कर लेते हो, तो आपकी 7 पीढ़ियों की लाइफ बदल देते हो। लिखिए, रॉयल्टी अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कब होती है? जब आपकी 3 लाइनों में 300 सुपरवाइजर बन जाते हैं, आपको 7 पीढ़ियों को देखने की जरूरत नहीं है। लिखो, जब आपकी 3 लाइनों में 300 सुपरवाइजर आ जाते हैं, आपको हर्बल लाइफ में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप छोड़ भी दो चलेगा, क्योंकि अगर आपकी 3 लाइनों में 300 सुपरवाइजर हैं, तो ओवरऑल टीम में 1,000-1,500 सुपरवाइजर बन चुके होते हैं उस टाइम पर, जरूर आपका बिजनेस रॉक सॉलिड हो चुका होता है। अगर आप मोटा मोटा लें, अगर आपकी 3 लाइनों में 1 करोड़ का भी टर्नओवर होने लगा और आपके नीचे का अगर टोटल जोड़ो, फिर भी आप 30 से 35 लाख रुपया महीना कमाते हैं हर्बललाइफ में, 30 से 35 लाख कम से कम। अब आप सोचिए, सभी लोग, अब हर हर बंदा कहता है ना, सर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। अब ये 300 सुपरवाइजर हैं, 300 छोड़ दो, है ना, मैं 20K की बात कर रहा हूँ, छोड़ दो इसको। आपकी 3 लाइनों में लिखो, 150 सुपरवाइजर चाहिए आपको प्रेजिडेंट टीम बनने के लिए, लिखो 150। कितना आसान है हर्बललाइफ, आपको पता चलेगा रॉयल्टी कैसे आएगी। अब ये 300 सुपरवाइजर कितने टाइम में बनेंगे? हो सकता है बने ही ना कभी, और हो सकता है आप 2 साल में बिल्ड कर जाओ। कैसे होगा बताता हूँ। आप डेली काम करने के लिए रेडी हो? पहले से याद करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। डेली काम करोगे, क्लब में आओगे, शेक पियोगे, वीडियो ऑन करोगे, रिजल्ट शेयर करोगे, अपने कस्टमर का कराओगे, फॉलोअप करोगे, हर ट्रेनिंग मीटिंग में आओगे, करोगे ये सब। लिखो, अगर आप डेली 10 लोगों से बात करते हैं और क्लब में आप 5 कस्टमर कम से कम हर महीने डाल लेते हो, नए बना लेते हो आप, और ट्रेनिंग में जो भी एसटीएस की जो भी आपकी होती है उसमें 5 नए लोग कोच ले आते हो हर मंथ, तो आपको लगभग 3 साल लगेंगे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजिडेंट टीम की रॉयल्टी पे पहुंचने में। बताता हूँ कैसे, थोड़ा प्रैक्टिकल, ये 150 लोग कैसे आएंगे। अगर आप डेली हर महीने 5 कस्टमर बनाओगे तो साल में कितने बनाओगे? लगभग आपके 60 60 कस्टमर बन जाएंगे। यस, 60 कस्टमर बन गए, 60 गुना में आप इसको कर दो 3 साल, तो 60 साल 180 कस्टमर बनाएंगे आप। 180 कस्टमर अगर आप प्रॉपर अच्छे से फॉलोअप कर लें, ट्रेनिंग दिखा दें, मोटा मोटा आप लिख लो 25 से 30 एक्टिव कोच आपको मिल जाते हैं फर्स्ट लाइन में। एक्टिव मतलब जो एक्टिव सुपरवाइजर मानते हैं हम, छोड़ दो आपको 15 लोग ही मिल गए कम से कम। अब 15 जो सुपरवाइजर आपकी फ्रंट लाइन में आएंगे, आपने उनको क्या सिखाना है? सिर्फ आपको 10-10 सुपरवाइजर बनाने हैं अपना। तो आपके 15 वो हैं, 10-10 वो बनाएंगे, कितने हो गए? 150 सुपरवाइजर हो गए ना आपकी सेकंड लाइन में, आप बन गए प्रेजिडेंट। आपको नहीं लोग लाने, आपको तो 10-15 ही लाने हैं। उन 10-15 को आपको सिखाना है भी कैसे आपके नीचे 10-15 बनेंगे। अब वो जो आपके नीचे हैं कुछ लोगों के हो सकता हो, पर वो लोग क्यों नहीं काम कर रहे? क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, इसीलिए आपका बिजनेस नहीं हो रहा। तो अगर आप चाहते हैं आपके नीचे वाले काम करें, तो आपको क्या करना है पता है? डेली मॉर्निंग क्लब का वीडियो ग्रुप में डालो, खुद एफ्रेश लेके बैठो और उनको बोलो सभी लोग आ जाओ मॉर्निंग में, ठीक है? जब भी कोई ट्रेनिंग में जाओ, पहले टिकट लो, ग्रुप में डालो, मैं एक्स्ट्रा वेंजा जा रहा हूँ, मैं स्पेक्टाकुलर जा रहा हूँ, मैं लीडरशिप ट्रेनिंग कसौली जा रहा हूँ, मैं एकेडमी में जा रहा हूँ, डालिए 1 महीना पहले टिकट लेके, 2 महीने पहला, और फिर उसमें देखना कैसे आपके लोग आपके साथ जाएंगे। ये एक ऐसा बिजनेस है
जो आप करेंगे वही आपके लोग करेंगे, इसमें ये पूरा 100% कंफर्म हो चुका है, मैं 10 साल में देखा है। अगर आप फिटनेस पे काम करेंगे आपका ग्रुप अपने आप ही करेगा, अगर आप डेली काम करेंगे आपका ग्रुप अपने आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ फोटो डालनी है। अगर आप अपना पर्सनल वॉल्यूम 4,000 5,000 करना शुरू कर देंगे आपका ग्रुप अपने आप ही करना शुरू कर देगा। जब आप अपने 25-30 कस्टमर स्टेबल रखने शुरू कर देंगे आपका ग्रुप अपने आप ही रख देगा। तो ये बिजनेस है, जब आप फॉलोअप करते हो ना सुबह फोटो खींचो ग्रुप में डालो माई फॉलोअप टाइम, आप भी अपने कस्टमर का फॉलोअप करो। जब शेक पीते हो फोटो डालो मैंने शेक पी लिया, आप भी अपना शेक पी के ग्रुप में फोटो डालो, देखना आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। स्पेक्टाकुलर की टिकट ले ली फोटो खींचो डालो, मैंने मेरी स्पेक्टाकुलर की टिकट ले ली जो मेरे जैसा बनना चाहता, जल्दी जल्दी अपनी टिकटें लो और फोटो ग्रुप में डालो, आपका बिजनेस में मोमेंटम आ जाएगा, आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, इतना फास्ट आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। तो अगर आप रेडी हैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तो दुनिया की कोई पावर नहीं रोक सकती आप।